हेलो यात्रीगण, और आप सोच रहे होंगे इतना बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य देख के मैं कहाँ हूँ। तो मैं बता देता हूँ आपको, डॉल्फिन नोज़ कुनूर में हूँ और तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित नीलगिरी की वादियों में ऊटी के बाद दूसरा सबसे अधिकतम ऊंचाई पे जो स्थान है वो है कुनूर। और मैं लगभग अभी 1850 मीटर की ऊंचाई पे हूँ और यहाँ से आपको ये जो चारों ओर चीड़ के वृक्षों से, नीलगिरी के वृक्षों से घिरी हुई वादियाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ से आप देखेंगे मेरे साथ, नीचे चाय के बागान हैं। जैसा कि हर किसी 80% भारतीय लोगों की जो सुबह की शुरुआत होती है वो चाय के साथ होती है, तो ये चाय के बागान आपको देखने को मिलेंगे। सीढ़ी नुमा खेती, जैसा कि हमने आपको उत्तर भारत में बताया था, जहाँ पे सेब के पेड़ों की सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, यहाँ पर चाय के बागान सीढ़ी नुमा खेती में देखने को मिलेंगे। और ये जो आपको नीलगिरी के पर्वत दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ में आपको सारे बादल दिखाई पड़ेंगे। और आज आप बादलों से ऊपर पहुँच ही गए हैं, बादल पे पाँव है जो मैंने गाना सुना था, आज मुझे वो प्रतीत हो रहा है। और यहाँ से बहुत ही गहरी खाई है। आप इस रॉक को देख रहे हैं, ये अपने आप में प्रकृति का एक और अद्भुत नमूना है, जो कि ये रॉक फॉर्म हुई है, ये डॉल्फिन के नोज़ के अकॉर्डिंग फॉर्म हुई है, इसीलिए इसे डॉल्फिन नोज़ के नाम से जाना जाता है। और यहीं से आप कैथरीन जो वाटरफॉल है, इसका नज़ारा भी ले सकते हैं। प्रकृति के इतने करीब और इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देख के आपका जो मन है वो पूर्णता संतोष का अनुभव करेगा, आंखें खुशी से झूम उठेगी, आपको लगेगा आप बादलों के ऊपर हैं। और इस विहंगम दृश्य का जो आनंद आपको मिलेगा, उससे आप पूर्णता तृप्त हो जाएंगे। जीवन का ये सुख भी जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आप आके चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं, चाय के क्षेत्र में आके चाय की चुस्कियाँ लेने के बाद ही आपको संतुष्टि मिलेगी। गिव इट, कोई दिक्कत नहीं है, लीफ ही है ना? लीफ ही है सर, बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर चाय हमने ऑर्डर की है, यहाँ पे आपको मसाला टी, लेमन टी, सारी टी मिल जाएंगी। वो अच्छा नहीं रहेगा ना, सही नहीं रहेगा। चाय प्रेमी चाय तो कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं, चाहे वो समुद्र तल के पास हो, चाहे समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पे। और सुबह की ये चाय हमारे भारतीय लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये चाय की चुस्कियाँ लेकर मैं भी डॉल्फिन नोज़ के व्यू को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, आनंद से भरपूर। और यहाँ से इसकी एंट्री है, यहाँ टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर से आप 20 रुपीज़ का यहाँ से टिकट परचेज करके अंदर की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पे डॉल्फिन नोज़ व्यू पॉइंट आप देखेंगे और साथ में आपको फॉल भी देखने को मिलेगा। और यहाँ डॉल्फिन नोज़ व्यू पॉइंट के साथ में ही यहाँ पे लोकल मार्केट है, यहाँ पे आपको सारा कुछ शॉपिंग करने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आप आके थोड़ा बहुत खा सकते हैं। और यहाँ पे चाय की जो भीनी भीनी खुशबू आ रही है, इतनी ज़्यादा चाय की पत्तियाँ हैं यहाँ पे,
उस पत्तियों से भीनी भीनी खुशबू आपको मिलेगी, और यहाँ पे मोस्टली सारा आपको फैक्ट्री आउटलेट भी देखने को मिलेगा। मेरे पीछे अब आप चाय के बागान देख सकते हैं बिल्कुल नज़दीक से, ये रहे चाय के बागान। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट में चल रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।